गजरौला तिगरी स्थित गंगा के उस पार बसे गांव लखीरा में एक दंपति ने अपने खेत में पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर गांव पहुंची थाना पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं कुछ लोग इसे संदिग्ध बताते हुए हत्या के भी कयास लगा रहे हैं। आत्महत्या करने वालों में मूलचंद्र 25 व उसकी पत्नी सताए 22 है। लखीरा निवासी प्रकाश के चार पुत्रों में मूलचंद्र दूसरे नंबर का था। 2 साल पहले ही उसका विवाह गांव हसनपुर की मिलक निवासी सतो से हुआ था। में दोनों ने अपने खेत पर पहुंचकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया है, पर ग्रामीणों का कहना था कि परिवार में बंटवारे को लेकर कुछ अनबन चल रही है। पुलिस दंपति के आत्महत्या के मामले को इसी से जोड़कर देख रही है। प्रभारी निरीक्षक जयवीर सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी की जा रही है। कहाँ रहते हैं? कल जो 2 शव मिले हैं पेड़ पर लटके, वो क्या है मामला बताइए। इसके बारे में सर, इन्होंने जो लड़के वाले थे उन्होंने हमें कोई सूचना नहीं दी। जो हमारे गांव की 2 चार और लड़की थी उनके वहाँ से फोन आया, हमारे पास इसके लिए सूचना मिली, तब हम वहाँ पर लठेरा गए। घूमने जाकर देखा वहाँ पे दोनों खुले गए। अच्छा, आपने आपको क्या लगता है, मतलब किस तरीके से, मतलब क्या कोई इनमें परेशानी तो नहीं थी आपस में? सर, इनमें इसके इसके सासू लड़की के सासूर जो थे वो काफ़ी तंग करते थे। जब से हमने शादी की थी सर, उसी वक्त से बहुत ही तंग किया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने खाली आपकी सिस्टर बहन को तंग करते थे या फिर दोनों को? सर, दोनों को परेशान करते थे, काफ़ी परेशान करते थे। तो आपको क्या लगता है? सर, हमारे यहाँ से एक दिन पहले गए थे सर हमने हमारे घर से, तो वो ये अलग कर दिए थे, तो ये बर्तन उतर ले गए, तो उसके बर्तनों के उससे इन्होंने काफ़ी लड़ाई करी थी मुझे लगता है, उसके उसी से इन्होंने फांसी लगाई। अच्छा, कल जो ये शव मिले हैं पेड़ पर लटके हुए, इनके बारे में बताइए। ये लगभग घर से 3 बजे के करीब निकले थे जी खेत पर अपने खेत काम करने के लिए, और घर नहीं पहुँचे लगभग 5:30 बजे तक इंतजार किया इनके माता पिता ने। उसके बाद जब ये घर नहीं पहुँचे तो इनके माता पिता खेत पर पहुँचे देखने के लिए। वहाँ जाकर देखा तो इनके सब पेड़ पर लटके हुए थे दोनों के, और आगे की पूरी बात का मुझे कोई पता नहीं है साहब। तो उसके बाद फिर आपने जैसे पेड़ पे मिले लटके हुए, उसके बाद क्या किया? गांव वालों ने एकदम तुरंत उनके सब उतारे वहाँ से, रस्सी काटी इनकी और तुरंत गढ़ मेडिकल ले गए, और गढ़ मेडिकल में इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिर वापस लाए गए, इनके परिजनों को सूचना दी गई, परिजन भी इनके मौके पर आ गए। अब दोनों पक्ष बैठे आपस में, घटने की पूरी घटना की जानकारी नहीं है इस मामले में कि किस तरीके से इनकी मृत्यु हुई, कैसे हुई, क्या। इनके जो बहू है उनकी, मैं जो बेटे की बहू थी, तो उनके पीहर वालों ने, मतलब मैके वालों ने, उन्होंने आरोप लगाया है कि इनमें आए दिन लड़ाई होती रहती थी सास बहू में। हाँ, ऐसा बताया जाता है जी। पूरी जानकारी इनके परिवार से मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है इनकी सास जो आपस में कुछ भी बात करता है सास को। अच्छा, ये दोनों एक ही पेड़ पर लटके हुए मिले हैं या अलग? एक ही पेड़ पर लटके मिले थे, जाम का पेड़ था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही